हैदराबाद में सीएलपी की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया। सूत्रों का कहना है कि 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के समर्थकों ने मंगलवार को हैदराबाद में प्रदर्शन किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की ही मांग की। एक समर्थक ने कहा, हमारी कोई और मांग नहीं है, हमने इतने दिनों तक भाजपा और बीआरएस से लड़ाई लड़ी, एक रेवंत रेड्डी की वजह से ही 65 विधायक जीते हैं, हम चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी को सीएम बनाने के अलावा और कुछ नहीं बनाया जाए। बता दें कि रेवंत रेड्डी ने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मेरे जीवन का उद्देश्य केसीआर के चंद्रशेखर राव को गद्दी से उतारना और उनके परिवार को राजनीति से खत्म कर देने का है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के समर्थकों ने मंगलवार को हैदराबाद में प्रदर्शन किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग तो की। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइडेड टू गो विथ रेवंत रेड्डी अवर पीसीसी प्रेसिडेंट एज द न्यू सीएलपी ऑफ तेलंगाना लेजिस्लेटिव पार्टी। रेवंत रेड्डी ने अपनी राजनीति की शुरुआत एबीवीपी से ही की। इसके बाद वो तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी में भी रहे और बाद में कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी की जीत के नायक बने। रेवंत रेड्डी ने 2019 में लोकसभा का चुनाव भी जीता। साल 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन साल 2018 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में मल्काजगिरी से जीत हासिल की। 2020 में उन्हें मोहम्मद अजहरुद्दीन की जगह राज्य में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।